ये हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम है. हॉर्स एंड कार्ट समझते हैं ना, घोड़ा आगे है, टांगा समझ लीजिए, टांगे को कार्ट मान लीजिए आप, या घोड़ा है पीछे कोई चीज़ सामान कार्ट लेके चल रहा है. तो ये घोड़े की कहानी इधर बनाई है हमने. अच्छा घोड़ा मैं नहीं बना पाता इसलिए घोड़ा ड्रॉ नहीं किया है. तो इमेजिनरी घोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर है और कार्ट ये है पीछे, सामान वामान भर के ले जाना या जो भी करना है. ठीक है, अब इस सिचुएशन में यहाँ पर घोड़ा क्या करेगा, पीछे फोर्स ज़मीन पर लगाएगा, ज़मीन पर चल रहा घोड़ा तो धक्का, जैसे हम धक्का लगाते हैं वैसे वही धक्का लगाएगा, है ना मुझे नहीं. तो इस फोर्स का रिएक्शन फोर्स आर मिलेगा, है ना विदित. अब इस रिएक्शन फोर्स के हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. ठीक है, और ये नीचे लगने वाला फोर्स क्या है, हॉर्स का वेट जो नीचे काम कर रहा होगा. ठीक है, तो वेट नीचे लगेगा और इसका वी ऊपर लगेगा जो उसको थोड़ा सा चलते वक्त थोड़ा लाइटर महसूस करा सकता है एक्चुअल वेट से अपोजिट. ये कहानी समझ में आ गई. इस घोड़े से और इस कार्ट के बीच में एक रस्सी बंधी हुई है, कुछ ना कुछ बांधेंगे ना आप. तो कुछ बातें आगे चल के हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझते हैं. इतना समझिए आप कि ये जो वैल्यू टेंशन दिखाई जाती है, रस्सी जिस पॉइंट पर बंधी होती है हमेशा टेंशन उससे अवे होती है. यहाँ पे कार्ट से बंधी है तो अवे, यहाँ पर घोड़े से बंधी है तो अवे. ठीक है, ये रूल होता है लेने का, तभी हमारी कैलकुलेशन आएगी. अब एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, वो कोई विशेष बात नहीं है, दो मिनट के अंदर ही हम लोग बात को ख़त्म कर देंगे. फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है, जिसे आप शॉर्ट में FBD भी बोलते हैं. FBD का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम से आप किसी एक बॉडी को देखना शुरू कर दीजिए, और जब आप एक बॉडी को देखेंगे तो बाकी चीज़ भूल जाएंगे. जैसे क्लास में इतने लोग बैठे हैं, मैंने सौम्या को देखना शुरू किया, मैं भूल गया यहाँ कोई और है, तो मैं ये देखूंगा कि सौम्या के ऊपर क्या क्या असर डालने वाली चीज़ें हैं, मेरा लेक्चर, कुर्सी पे कंफर्ट है कि नहीं, पंखे की हवा मिल रही है नहीं मिल रही, और वगैरह वगैरह बातें. बाकी मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि स्तुति को क्या तकलीफ हो रही है नहीं हो रही है, या अपने अब्बास जी किस हालत में, सब भूल जाना है. फ्री बॉडी डायग्राम, सिस्टम में एक बॉडी को फ्री कर देना है. फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी को फ्री करना है. तो जैसे सिस्टम में अगर आप ये चीज़ देखना शुरू करेंगे तो केवल यही देखेंगे कि इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, और उनको उनका रिलेशन आपस में बना देंगे. घोड़े को देखेंगे तो केवल घोड़े को देखेंगे, केवल घोड़े देखने का मतलब है घोड़े पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और घोड़े पे कौन कौन से फोर्स वो हटा रहा है जो उसके साथ हो रहा है, दैट्स ऑल. मेरी बात कम्युनिकेट हो पा रही है, समझ पा रही है बेटा साक्षी. तो जो भी बॉडी आप पकड़ेंगे, जैसे इस डायग्राम में हमने ये कार्ट पकड़ा, ये क्या है हमारा, कार्ट है. तो फ्री बॉडी का मतलब है इस बॉडी को फ्री कर लिया डायग्राम से आपने, फिर जो 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 भी ड्रामा हो रहा है इसी के साथ हो रहा है वो लिख पढ़ लेंगे हम, उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं. कोई कई बच्चे पूछते पता नहीं स्कूल में होता है फ्री बॉडी डायग्राम क्या, कोई भौगाला ही नहीं. बिल्कुल सिंपल चीज़ है हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए. मेरी बात कम्युनिकेट हो पाई सरल भाषा में कि नहीं हो पाई. एक सिस्टम में एक डायग्राम को पकड़ना है, बाकी सब भूल जाना है. उस डायग्राम पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लगा रहा है, उसको कंसीडर कर लो, बात खत्म. ठीक, बढ़िया. तो ये घोड़े ने फोर्स कैसे कैसे लगाया आपको समझ में आया. उसके बाद आप ये भी समझ पा रहे हैं कि ये जो रस्सी बंधी है, रस्सी दिख रही ना ये, तो जिससे बंधी होती है उससे हमेशा टेंशन किधर लेते हैं, अवे. ये पकड़ लीजिए नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा. जहाँ बंधी मिले रस्सी उससे अवे, तो ये इधर ये इधर, ये अगर टी होगा इधर वाला तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन माइनस टी लेना ही पड़ेगा. फोर्स है भाई, टेंशन भी फोर्स होता है. टेंशन क्या है, फोर्स है. टेंशन फोर्स है, एक बल है. अब उसके बाद जब ये कार्ट आगे मूव करेगी तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होने वाला होता है, फ्रिक्शन के इन डिटेल हम पढ़ेंगे, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट लग जाता है. जिस डायरेक्शन में मोशन टेंड टू स्टार्ट होता है, दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं आगे हम पढ़ेंगे, अभी बात कर रहे हैं जैसे ही बॉडी मूव करने वाली होगी उसका इंटेंशन होगा मूव करें, तो जिस तरह मूव करने की सोचेगी खटाक से उसकी विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा. तो इस बॉडी को घोड़ा खींच रहा है तो ये मूव इधर ही हो सकती है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा दिया, इसके अपोजिट. बॉडी इधर जाने की चाहत में इधर लग गया फ्रिक्शन फोर्स. ठीक, इसी एफ को बड़ा बड़ा दिखा दिया जैसे आपकी समझ में आ पावे.
ये दो एफ नहीं है, सिंगल एफ है, इसी को दिखा दिया आपको, समझ पा रहे हैं। अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम लोग कैलकुलेशन के लिए। पहली इक्वेशन क्या हुई, अब हॉर्स की बात करते हैं। हॉर्स कहाँ पर है, यहाँ पर हॉर्स है। मैंने बताया घोड़े का अच्छा फिगर नहीं बनता हमसे, तो डोंकी लग सकता था, इसलिए मैंने घोड़ा नहीं बनाया। कोई आप लोग में से कई आर्टिस्ट हैं वो बना देंगे बढ़िया। तो यहाँ पर जो घोड़ा बना हुआ है, घोड़ा जो है, उस घोड़े पर लगने वाले फोर्सेस की गाथा क्या है। तो गाथा ये है कि हॉर्स वो विल मूव फॉरवर्ड व्हेन एच इज ग्रेटर देन टी, यानी इसकी वैल्यू एच की, ये जो टी लग रहा है इससे अगर बड़ी हो जाए तो चल पड़ेगा वो, इसको खींचने वाला ये टी तो है ही नहीं। अगर एच की वैल्यू टी से बड़ी है तो चलने लगेगा घोड़ा, बहुत अच्छी बात। अगर एच इज ग्रेटर देन टी है और ये घोड़ा चलने लगा आगे, और किस एक्सेलेरेशन से चलने लगा, स्मॉल एक्सेलेरेशन से। जब चलेगा तो एक्सेलेरेशन आएगा, तो घोड़े का एक्सेलेरेशन क्या आया, स्मॉल ए। तो एच माइनस टी ये तो हो गया जो फोर्स पैदा हुआ, नेट फोर्स ऑन द घोड़ा है ना, और ये मास ऑफ द घोड़ा और ये एक्सेलेरेशन ऑफ द घोड़ा। भाई जिस की बात कर रहे हैं उसी का सब लेंगे ना। तो हॉर्स की कहानी ऐसे आई, नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, मास ऑफ हॉर्स। अभी हमने बस फ्री बॉडी डायग्राम बताया तुमको, फ्री बॉडी डायग्राम फिर क्या अंडा देने के लिए बना हुआ है वो किस लिए बना हुआ, इसीलिए तो तुरंत बताया तुमको कि जब आप सौम्या को देखेंगे, आप भी देखिए तो बाकी किसी को नहीं देखेंगे आप, है ना, बाकी केवल सौम्या नजर आनी चाहिए उस वक्त, अब याद रहेगा इनको। भाई कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना। अब सौम्या मंजरी के नाम बार बार इसलिए लेते कि मैं मालूम मेलूम बुरा नहीं मानती। अब धीरे धीरे आप लोग से भी फैमिलियर हो जाएंगे तो हिम्मत हमारी बढ़ जाएगी कि भाई इनका भी नाम ले लो, है ना, वरना मैं लगता है कि ऐसा ना किसी को और लग जाए। अब कीर्ति का नाम ले लो कैसा रहते, नॉट कम्फर्टेबल है ना ये सिचुएशन ना, ये दोनों पहले से हैं इसलिए थोड़ा आराम है, समझे आप। इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम था कि ये जुड़ा तो बहुत कुछ है अपने संसार में, लेकिन स्टडी करते वक्त हम लोगों को किसी तरह सफलता हासिल करनी है, ठीक है ना। तो इस घोड़े की कहानी समझ में आ गई, ये घोड़े पे लगने वाला फोर्स नेट फोर्स, और ये क्या है, एम क्या है ऑफ, अरे वाह, और ये क्या बात, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं हम लोग कार्ट की, कार्ट समझते हैं जिसमें माल वाल रखा होगा। जो एक्स रिएक्शन का कंपोनेंट है, घोड़े ने क्या किया, घोड़े ने पीछे सरफेस को धक्का मारा, उसका एक रिएक्शन फोर्स आर मिला, और अगर ये एंगल थीटा है आपको समझाने के लिए तो एच की वैल्यू है आर कॉस थीटा। आई बात समझ में, आर का कंपोनेंट है दो, हॉरिजॉन्टल जो उसको आगे ले जाएगा और एक वर्टिकल जो जो वेट से खेल खेलेगा। आई बात समझ में, कहाँ ये, अब कार्ट की बात करते हैं। ये फोटो देखी हमने डायग्राम, अब इसमें कार्ट में देखिए क्या क्या घटनाएं घट रही। ये कार्ट क्यों मूव करेगी, केवल कार्ट, सौम्या दिख रही है अपने, तो इधर से कोई खींच रहा उसको और पीछे रोकने वाला कोई है, तो अगर ये इसको खींचने वाला फोर्स रोकने वाले फोर्स से ज्यादा हो जाए तो चल पड़ेगी वो। मैंने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, उधर स्तुति करिए पिज्जा खिलाएंगे, तो हमारी तरफ आई क्या, लगी इधर घटिया कोल्ड ड्रिंक पिज्जा इतना बढ़िया। हाँ तो एक तीसरी खड़ी हुई अपने, खड़ा हुआ अपने वैभव, कहा सौम्या आओ मेरे साथ थोड़ा सा घूम के आते हैं हम तुम्हें पिज्जा आराम से, भाई गिरिए नहीं तो आपको पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक दोनों पिलाएं खिलाएंगे, समझ गए, चलो बढ़िया। तो वो समझे ना मेरी बात, तो इन दोनों पे जो फोर्स ज्यादा होगा उसकी तरफ कार्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर घोड़ा खींच रहा है, तो अगर हमारा टेंशन इस फोर्स से ज्यादा हो जाए, अगर नहीं ज्यादा होगा तो नहीं चलेगी। अब ये ना कह दीजिएगा ये एफ जो है टी से ज्यादा हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स लगने वाले फोर्स से ज्यादा नहीं होता है, बात करेंगे सोच ले अलग ही कुछ है ना, उल्टा घोड़ा आगे दौड़ा कार्ट पीछे जा रही, जादू पता नहीं सोच गए हो जाए तो सर और परेशान हो सी। एनीवे समझ में आई बात, तो ये अगर टेंशन की वैल्यू एफ से ज्यादा हो जाए तो उस केस में अगर इधर बढ़ने लगे तो इस घोड़े और कार्ट का एक्सेलेरेशन तो एक ही होगा, वरना कार्ट या तो ठोकर मार देगी घोड़े के
या रस्सी टूट जाएगी, घोड़ा कहीं भाग जाएगा, कार्ट अलग चली जाएगी। और कार्ट और घोड़ा बंधे हुए चल रहे हैं तो दोनों का एक्सलेशन है, गए बंधे, तो उस समय नेट फोर्स कितना रहा कार्ट के ऊपर, टी माइनस एफ, ये टी माइनस एफ, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एम ए, यहां मास होगा कार्ट का, एम क्या है कार्ट का मास है, ये स्मॉल एम घोड़े का मास है, एक्सलेशन दोनों का सेम, इसलिए सेम रख दिया। बन गई दो इक्वेशन हमारे पास, नंबर वन नंबर टू। हाँ क्या चीज कह रहे हैं, ये एच कहां से पैदा हो रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से तुमने कभी घोड़े को कार्ट खींचते नहीं देखा, फिर क्यों ऐसी बात कर रहे हो भाई, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से कभी घोड़ा कार्ट नहीं खींच सकता, कितना भी खिला पिला दे उसको, न्याय में बताओ तुम, तुम्हारे हिसाब से तो यही हुआ हमेशा बराबर होगा, और हमेशा बराबर होगा तो जीवन में कभी घोड़ा नहीं खींचेगा, तो हम खिला पिला रहे कि उसको तंदुरुस्ती उसकी बढ़वा के देखेंगे, बढ़िया हमारा घोड़ा बहुत तगड़ा है। ये जो एच है ये उसकी फोर्स पे डिपेंड करता है, कितना जोर लगाएगा, और फोर्स डिपेंड करेगा उसके मस्कुलर पावर पे, और वो बढ़ाने के लिए आप उसको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएंगे। ये टेंशन तो इस वजह से ये जो लगे है इसमें रस्सी में टेंशन जो जनरेट होता है, ये सब चीज़ें फिजिक्स में रियल नहीं होती, कई कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें रियल चीज़ निकाल के देते हैं, ये बार बार हम कहते आ रहे हैं, पता नहीं कब हम पहुँच पाएंगे अब तक, फिजिक्स में कई चीज़ कॉन्सेप्चुअल होती हैं, है ना। अब रस्सी में टेंशन नहीं होगा तो खींचे क्यों रस्सी, झोल खा जाएगी फिर, कभी देखिए कि घोड़ा खींचो रस्सी ढील हो दौड़ दोनों चल रहे भुता केस हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचिए जो होता है, घोड़ा कार्ट खींच रहा, कार्ट भी चल रहा, रस्सी भी चल रहा, और बीच में जो रस्सी बंधी है वो झोल खाई हुई है, दो चार तो देख के लेडीज उनके कुछ चक्कर वक्कर आ जाएगा, हो गया भूत प्रेत कुछ हुआ, अजीबो गरीब है ना, कार चल रही ड्राइवर ही नहीं बैठा है, दो चार तो ऐसे ही ढेर हो जाएंगे अगल बगल वाले, एनीवे वापस आते नहीं, बहुत मजाक में खींच देंगे, एनीवे इनकी बात को छोड़िए, आप मुद्दा ये क्लियर कट, ये इसके बराबर क्यों होने लगा भाई, और ये बराबर होगा तो कभी घोड़ा नहीं खींच पाएगा, हमें मालूम है कि घोड़ा खींचता है कार्ट, तो हमेशा बराबर नहीं हो सकता, जो दिख रहा है वो तो सच है, थ्योरी भले गलत हो अगर नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है। तो यहाँ पर अगर हमारा टी एफ से कहाँ गया, इसकी बात कर रहे थे, ये अगर इससे बड़ा होगा तो चलेगा वरना नहीं चलेगा, अब इन दोनों क्वेश्चन को जोड़ दीजिए आप, पहली और दूसरी को, और आपने दोनों को जोड़ा तो टी टी कट गया, क्योंकि टी हमें चाहिए ना था, टी टी कट गया, एच माइनस एफ इज इक्वल टू एम एम कॉमन, एम प्लस एम अपॉन इंटू ए, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो गई एच माइनस एफ अपॉन एम प्लस एम, ये एक्सेलेरेशन निकल आया, किस एक्सेलेरेशन से, घोड़ा दौड़ रहा कार्ट दौड़ रहा या दोनों ही दौड़ रहे, दोनों का एक ही एक्सेलेरेशन है, और सिस्टम कब मूव करेगा जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो हमारी है, यानी एच हमारा एफ से बड़ा हो, और एच हमारा एफ से छोटा हो गया तो फिर नहीं चल पाएगा ये, इसको चलने के लिए एच एफ से बड़ा हो, एच कहाँ से पैदा हो रहा है, उसके एक्शन से, का रिएक्शन है उसका कंपोनेंट, ये कहानी है, कभी कभी लोड ज़्यादा कर देते हैं तो घोड़ा हिलने नहीं लगता है, हाँ देखे होंगे नहीं देखे, अमीनाबाद में बहुत होता है, टांगे वाले लाद देते हैं खड़ा हो जाता है घोड़ा, फिर उसको कहते नीचे आ जा नीचे आ जा, देखे नहीं देखे, देखे होंगे भी ना कभी, खड़ा हो जाता है ना तांगा लेके, और बेचारे उसकी जान लिए ले रहे हो कहाँ तक खींचे हो, फिर उसके ऊपर चढ़ते हैं नीचे करते हैं जो भी करते होंगे किसी तरह, तो ये है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसलिए थोड़ी खींच के हमने बताई, इसको नोट कर लो जल्दी से।